हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर सेकंड वीडियो फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो जैसा कि दोस्तों, मेरे को अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करते हैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डाला था जो कि मैंने कल अपने वैक्सीन लगवा ली है 24 तारीख को, और आज 25 तारीख है। तो इस दौरान 24 घंटे जो है उसमें क्या कुछ रहा मेरा, ये मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। फ्रेंड, आप मेरा चेहरा देख सकते हो, मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो भाई, अब मेरी बॉडी में जो है, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूँ आपको, वैक्सीन जो है कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ, वैक्सीन जो है वही वायरल है, जैसे मान लीजिए जो कोविड-19 है वो इतना बड़ा है, बहुत सारा बड़ा है, अगर वो आपकी बॉडी में आता है तो इतना बड़ा मान लो। तो अब हमारी बॉडी एकदम इतने बड़े उसको जायंट वायरल को एकदम झेल नहीं सकती है। तो ये जो हो रहा है कि वैक्सीन लगवाई जा रही है, तो इसमें हमारे बॉडी के अंदर कुछ कम क्वांटिटी में, मान लीजिए इतनी सी क्वांटिटी में, वही वायरल भेजा जा रहा है ताकि जो हमारी बॉडी है वो एंटी इम्यूनिटी बना सके, मतलब इम्यूनिटी बना सके, उससे लड़ सके। बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो कीटाणु डाले गए हैं वैक्सीन में, मतलब वैक्सीन कीटाणु है एक तरह का, आप ये मान लीजिए, तो कीटाणु जो है हमारी बॉडी में गए, अब हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा उससे लड़ रहा है। अब जब हम उससे जीत जाएंगे तो हम, अगर कितना बड़ा वाला भी अगर वो हो जाएगा तो हमारे को बहुत हद तक, मैं कहूँगा, खाली बुखार आएगा या सिर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, ये होगा। अब मान ये जानते हैं कि वैक्सीन लगवाने के 24 घंटे के अंदर क्या क्या हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को जो है 2 बजे तक कुछ नहीं हुआ, रात को 3 बजे, जैसे मैंने 24 तारीख को 3 बजे वैक्सीन लगवाई थी, अब रात को 3 बजे, मतलब 25 तारीख की रात को 3 बजे मुझे हल्का हल्का सा हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट होता है, सबसे ज़्यादा इसी हाथ में जिसमें मेरे को वैक्सीन लगती है, तो एकदम धुक धुक टाइप, जैसे दिल धड़कता वैसे होता है। अब सडनली मुझे हल्की हल्की सी ठंड लगती है और बुखार आना शुरू होता है। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि पैरासीटामॉल ले लेनी है, तो मैंने भी वही काम करा, मैंने रात को पैरासीटामॉल ले ली और मैं सोने की कोशिश करी। हालांकि मुझे नींद तो नहीं आई, लेकिन कुछ हद तक मेरा बुखार कम हुआ है। अब मेरे को दोबारा से बुखार हो रहा है, तो मैं दोबारा से अभी नाश्ता कर रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ, रोटी वगैरह खा के अब मैं फिर से वही जो है दवाई दोबारा से लूँगा। तो आपको कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बुखार आ जाएगा, या आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। पहली बात तो ये है, क्योंकि हम हर किसी की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। जैसे कि मेरी बॉडी, मान लीजिए दर्द भी हुआ, बुखार भी आया, लेकिन मेरे और दोस्तों ने, जो फैमिली मेम्बर्स ने लगवाई है, उन्हें खाली हाथ पैरों में दर्द हुआ, एक हाथ को बुखार आया होगा। तो ये नॉर्मल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैक्सीनेशन करवाना है ताकि हम तीसरी वेव से बच सकें और अपने देश को और अपने पूरे वर्ल्ड को बचा सकें। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।